बीते शनिवार को सातवें चरण के मतदान के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 की मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई। बीती शाम 6 बजे तक मतदान हुआ, उसके बाद शाम करीब 6:30 बजे एग्जिट पोल जारी होने शुरू हो गए। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। नतीजों से पहले शनिवार शाम को अलग अलग मीडिया चैनलों और सर्वे एजेंसियों की तरफ से एग्जिट पोल जारी किए गए। 5 एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है। बीजेपी एनडीए को 353 से 368 सीटें तो वहीं इंडिया गठबंधन को 118 से 135 सीटें मिलने की अनुमान लगाया गया है। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली। केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश 5 जून को आएगा। इसका मतलब साफ है कि आज केजरीवाल को सरेंडर करना होगा और एक बार फिर तिहाड़ जेल जाना होगा। जम्मू के मैदानों से लेकर कश्मीर घाटी तक आसमान से आग बरस रही है। लू के तेवर घातक हैं। लोगों को दोपहर 12 से लेकर 3 बजे तक घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। जम्मू में अगले कुछ दिनों तक राहत के आसार नहीं है। जम्मू में बीते शुक्रवार को अधिकतम तापमान नॉर्मल से 4.3 डिग्री चढ़कर 43.7 डिग्री सेल्सियस रहा। यहाँ 2 हफ्तों से लगभग दिन का टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री के बीच चल रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग नहरों नदियों में डुबकियां लगा रखे हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम दौर और सातवें चरण के बीच जारी इंडिया गठबंधन की बैठक संपन्न हो गई। बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई। बैठक में सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, शरद पवार सहित कई नेता शामिल हुए। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा मंथन हुआ। बैठक के दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक बड़े निर्णय के फैसले को पत्रकारों के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि टीवी चैनलों पर होने वाले एग्जिट पोल की बहसों में अब कांग्रेस पार्टी हिस्सा लेगी। इससे पहले बीते कल उन्होंने मना कर दिया था और अपना कांग्रेस पक्ष खुलकर रखेगी। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरान ऐलान किया कि इंडिया गठबंधन 295 प्लस सीटें जीतेगा। लोकसभा चुनाव 2024 के सातवें चरण के लिए मतदान संपन्न हो गया। इसी के साथ आम चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई। बीते शनिवार आम चुनाव के सातवें चरण के 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसी के साथ ईवीएम में 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो गई। इस सातवें चरण में 58.34% मतदान हुआ। टीम इंडिया के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बीते शनिवार को अनुभवी खिलाड़ी ने सोशल मीडिया के जरिए इसका ऐलान किया। उन्होंने भावुक पोस्ट के जरिए इसका ऐलान किया। उन्होंने फैंस और कोच का धन्यवाद भी कहा। शनिवार को उन्होंने अपना 39वां जन्मदिन मनाया। वो आईपीएल से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने आईपीएल के इस सीजन अपने करियर का आखिरी मुकाबला खेला था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नशा मुक्त भारत अभियान पर एक जागरूकता शिविर सरकारी डाक बंगला नौशेरा में आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं से गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उपस्थित लोगों को ज्ञान के साथ सशक्त बनाना था। प्रतिभागियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल, लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण की वकालत करने और नशा मुक्त भारत अभियान को बढ़ावा देने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की।